नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह सरोज। खबर है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य अनीता सचान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य एवं अमेठी जनपद की प्रभारी अनीता सचान ने अमेठी का दौरा किया। इस दौरान वह पहले अमेठी के डांग बंगला पहुंची, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना। उसके बाद उन्होंने अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ औचक निरीक्षण के दौरान पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन परिसर व पुराने भवन में जाकर अस्पताल के हड़वाड़ों का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में काफ़ी कमियाँ पाईं। कमियों को लेकर उन्होंने निराशा जताई, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी उन्होंने देखी। इस दौरान उनके साथ महिला थाना प्रभारी ममता रावत अपनी फोर्स के साथ मौजूद रही। महिला आयोग की सदस्य अनीता सचान ने सीएससी के एक्सरे रूम, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी और प्रधानमंत्री जन आरोग्य कक्ष महिला वार्ड समेत अन्य वार्ड का निरीक्षण किया। सीएससी अमेठी के अधीक्षक डॉक्टर सौरभ सिंह को हॉस्पिटल में साफ सफाई को लेकर उन्होंने कड़े निर्देश दिए। अनीता सचान ने हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हाल भी जाना। वहीं जब यूथ कॉर्नर न्यूज़ संवाददाता अंकित अग्रहरी ने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, और भी कमियां हैं। उसको दूर करने के लिए मैंने दिशा निर्देश दे दिया है और बहुत जल्दी सीएससी अमेठी में शिशु रोग विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी। इस दौरान डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर अमित विक्रम सिंह, धीरेन्द्र कुमार सिंह, मनोज कुमार पटेल, राजेश यादव, रोशन लाल, अनसुईया त्रिपाठी, सुषमा मिश्रा समेत अन्य सीएससी के स्टाफगण मौजूद रहे। अनीता सचान के साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार मौन, जन सूचना अधिकारी लक्ष्मी गुप्ता समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं अमेठी भाजपा मंडल अजय तिवारी, जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ला, ललन प्रसाद मौर्य अन्य लोग उपस्थित रहे। मैम, आज आपने अमेठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान आपने अमेठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या कमियाँ पाईं? सबसे पहली कमी या सबसे बड़ी कमी कहिए, गंदगी बहुत है यहाँ पर। हर जगह चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जाने कितना टूटा फूटा सामान भी पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट, वॉशरूम, पीने का पानी ऐसे बेतरतीब ढंग से रखा हुआ है। तो हम तो ये कहकर जा रहे हैं, हम आए हैं, अगला कोई भी आए विजिट करने, अगली बार जो भी आए, एक साफ़ सफाई होनी चाहिए, बेहतर साफ सफाई होनी चाहिए, जिससे हम पब्लिक को पुनः यहाँ इलाज कराने आए तो उसको संतुष्टि दे सकें, उसको अच्छे से काम हो सके। नहीं, यहाँ तो आकर स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो जाएगा जी। यहाँ पे मैम, अभी यहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोई नहीं है, जैसे काफ़ी दिक्कतों का लोगों का सामना करना पड़ता है। चलिए, अब यहाँ से लिखेंगे तो उसकी व्यवस्था है, डॉक्टरों की कुछ कमी तो है लेकिन व्यवस्था होगी। तो आपने कमियाँ पाई इस दौरान, तो क्या दिशा निर्देश आपने दिया है? दिशा निर्देश तो मैंने अभी सफाई का ही दिया, क्योंकि सबसे बड़ा मुझको वही लगा है, अभी गंदगी ही लगी है। और तो एक्सरे मशीन भी इनकी ठीक है, एक्सरे भी आज दो एक्सरे हुए हैं और दवाएं भी मिल रही हैं, दवा भी ठीक है, व्यवस्था। मरीजों से एक दो से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हो रहा है, तो और तो ठीक लगा है। ये सुधार करने की ज़रूरत है, आश्वासन दे रहे हैं कि सुधार करेंगे, अगले विजिट में देखते हैं। अगर किसी हॉस्पिटल में किसी चीज़ की चर्चा होती है दीदी, तो आयुष्मान कार्ड में जो काम करने वाले हैं इनकी होती है, हर आदमी संतुष्ट होकर जाता है, किसी प्रकार का कोई जो है इनका वो नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए? पहले ऐसे बनता था, अब कैसे बनता है? हम तो ये नहीं जानते भाई कि इतने देर तक कुछ खाने को नहीं देना है। हॉस्पिटल
ऑपरेशन कल हुआ होगा ना, तो अभी आज कैसे लीजिए? यह खास रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता अंकित अग्रहरी की।